चलिए, तो कल मैंने क्या किया आपको, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी पढ़ाया। ये सिखाया पहले एचआईवी कहाँ कहाँ मिल सकता है। मोटा मोटी तौर पे ब्लड में मिलेगा, टिश्यू फ्लूइड में मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क में मिलेगा, जेनिटल सेक्रेशंस में मिलेगा, बाकी कहाँ नहीं मिलेगा ये सब मैंने बता दिया। एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये बता दिया। एचआईवी इंफेक्शन के किसको ज्यादा चांसेस हैं ये मैंने बता दिया। ट्रांसमिशन के कौन कौन से रूट है, मैं मोटा मोटी बात करूँ तो तीन रूट है। सेक्सुअल रूट, उसमें कई सारे केसेस मैंने बता दिया। देन इसके बाद और क्या है सेक्सुअल रूट के अलावा, पेरेंटेरल रूट, ठीक है, जिसमें कि निडल वगैरह सब था। और एक क्या है वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये सब बताने के बाद ट्रांसमिशन डिस्कस कर लिया, इन्फेक्शन डिस्कस कर लिया, फिर मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाया। मोटा मोटी मैं लाइफ साइकिल में बात करूँ तो क्या होता है, जब वायरस आ जाता है अपने बॉडी के अंदर तो वो क्या करता है, सबसे पहले मैक्रोफेजेस के साथ अपने जो GP120 है वो हमारे मैक्रोफेजेस के साथ CD4 रिसेप्टर के साथ मैचिंग करता है। उसके बाद कुछ कीमोकाइन रिसेप्टर का मैचिंग होता है, जैसे CCR4, CXCR5, एंड इसके बाद क्या होता है फ्यूजिन रिसेप्टर का मैचिंग होता है। अगर ये सब कुछ हो गया, अब वायरस अंदर जाएगा, अंदर इन्वेलप नहीं जाएगा, केवल कोर पार्ट जाएगा। जैसे कोर पार्ट अंदर गया तो मैक्रोफेजेस के साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कैप्सिड को, प्रोटीन को डिजोल्व कर देता है। आउटर प्रोटीन कोट, इनर प्रोटीन कोट डिजोल्व हो गया। अभी जो इनर प्रोटीन कोट है, सुना ध्यान से, आप बोलोगे सर एक सवाल आप कल कर सकते थे, सर ये मैक्रोफेजेस के अंदर खुद चला गया वायरस, और उसका जो इनर प्रोटीन कोट है कौन P24, वो खुद एज ए एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स की तरह एक्ट करता है, बताया था याद है। तो सर इस एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स को ये मैक्रोफेजेस, एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि इससे इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिव हो सकते हैं, ये हमारे एंटीजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मतलब कि हमारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेशन दे सकता है। बट एक बार बता ना, ये एंटीजेनिसिटी ये तब देता जब ये सेल के बाहर होता। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर ये सेल के अंदर आकर रिलीज हुआ साइटोप्लाज्म में, तो आप सोच रहे होंगे सर मैक्रोफेजेस तो खुद इस एंटीजेनिक प्रोटीन को तब विद द हेल्प ऑफ MSG2 सरफेस पर रिप्रेजेंट कर देगा और टी हेल्पर एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो एंटीजेनिक प्रोटीन है ना P24, ये MSC2 के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता है, इसके कॉन्फिगरेशन ऐसी होती है, इसलिए मैक्रोफेजेस फेल हो जाता है यहाँ पे। फिर क्या होता है, दो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, डबल स्टैंडर्ड DNA बनता है, वो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, मैक्रोफेजेस के न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे इंटीग्रेज क्या करता है उसको अटैच करा देता है होस्ट जीनोमिक DNA के साथ, देन ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इस वायरल DNA का भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, इससे RNA बनता है, RNA साइटोप्लाज्म में आता है, कुछ तो जीनोमिक RNA की तरह बचा रह जाता है और कुछ ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन में सब कुछ, GP120, GP41, P24, P17, इवन तीनों एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीज वगैरह, लेकिन ये सारे प्रोटीन अभी इनएक्टिव हैं, तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा सभी को एक्टिव करेगा। उसके बाद एक्टिव होने के बाद दो सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल के साथ एक एक इंटीग्रेज जुड़ जाएगा, और एक मॉलिक्यूल प्रोटीएज, एक सॉरी दो दो मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंड RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जुड़ जाएगा एक एक, और एक मॉलिक्यूल इंटीग्रेज, एक प्रोटीएज, और उसके बाद क्या होगा चारों ओर कैप्सिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो प्रोटीन बने हैं उससे, और सेल मेम्ब्रेन वो सेल के साथ फ्यूज करके एक दूसरा अटैच करके निकलेगा, उसका गले को प्रोटीन लेते हुए बाहर निकल जाएगा न्यू RNA पार्टिकल। ऐसे मैक्रोफेजेस में लाइसोजेनिक साइकिल चलता रहेगा, नॉट लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल चलता रहेगा। लाइटिक क्यों नहीं, क्योंकि मैक्रोफेजेस बस्ट नहीं कर रहा है, और ऐसे मैक्रोफेजेस एज ए फैक्ट्री एक्ट करेगा। नाउ अब मैं बता रहा हूँ कि एड्स में सिम्टम्स कब आता है। मैं आपको बता चुका हूँ साइन और सिम्टम्स में क्या अंतर होता है, बताया था। अरे बोलो, पहले सिम्टम्स आता है कि साइन, सिम्टम्स पहले क्या आता है सिम्टम्स या साइन? हाँ? पहले क्या आता है? सृष्टि योर वॉइस इज नॉट क्लियर, रिपीट। लैग कर रहा है क्या? सर पहले तो साइन ही आएगा हाँ पहले साइन आएगा, क्या बात। इससे साइन और सिम्टम्स में कौन डॉक्टर मेजर करते हैं और कौन हम लोग मेजर करते हैं,
मतलब हम लोग को फील होता है। हम डॉक्टर मेजर करते हैं और हम लोग सिम्टम मेजर करते हैं। हाँ तो पहले साइन आता है ना, काय पढ़ते हो तुम लोग, काय पढ़ते हो, भग जाए इधर से, टाइम पास करने के लिए पढ़ते हो। उस दिन बता रखा था कि सिम्टम्स पेशेंट फील करता है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स लगता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर साइन मेजर करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हो ही नहीं, मैंने तो पहले भी बोला है कि ये लोग जितने भी बच्चे बच्चे हैं लास्ट में, ये सब टाइम पास बच्चे बच्चे हैं, सबके सब कहीं ना कहीं से उठ के आ गए हैं गार्जियन को ठगने के लिए। ठीक है ठगो। तो सिम्टम्स, एड्स के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सुनना ध्यान से, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, एक एक करके सुनो। पहले तो सिम्टम आता ही नहीं है, दो टर्म यहां से मैं बता रहा हूं। एक टर्म मैं अभी बताऊंगा, विंडो पीरियड, गौर से सुनना। एक टर्म बताऊंगा विंडो पीरियड, और एक टर्म मैं बताऊंगा अभी इनक्यूबेशन पीरियड। इन दोनों वर्ड में अंतर है, इन दोनों वर्ड को ध्यान से समझ लो एक बार में अच्छे से। चलो, व्हाट इज विंडो पीरियड? मैंने क्या बोला, आज के डेट में आपको इन्फेक्शन हुआ, सपोज दैट जब आप आज आपके बॉडी में एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया, मतलब पैथोजन का एंट्री हो गया, अब आपके बॉडी में वो पैथोजन धीरे 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 नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि जब एंट्री हुआ तो जरूरी थोड़े है कि अलॉट ऑफ वायरस एंटर हुआ एक बार में, हो सकता है 4-5-10-20 वायरस आ गया हो, तो उसको आपके बॉडी के अंदर आने के बाद पहले नंबर बढ़ाना है, कैसे, मैक्रोफेजेस के अंदर लाइसोजेनिक साइकिल चला के। लेकिन जब वो आपके बॉडी के अंदर आएगा तो कई महीनों तक, कई सालों तक आपके बॉडी में उसका नंबर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, वो अभी नंबर बढ़ा ही रहा है, बढ़ा ही रहा है, बढ़ा ही रहा है, बढ़ा ही रहा है, लेकिन अभी इतना नहीं है कि अगर आप टेस्ट कराने जाओ तो टेस्ट में वो डिटेक्ट हो जाए, इतना नहीं है। एड्स में एलाइसा टेस्ट होता है, अभी बताऊंगा आगे, एलाइजा टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा इनिशियल पीरियड में। तो जब तक इंफेक्शन हुआ, जब तक वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता है, तब तक का ड्यूरेशन कराता है विंडो पीरियड। जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है, एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है, तब हम कहते हैं कि विंडो पीरियड खत्म हो गया। अब सुना ध्यान से, अगर टेस्ट पॉजिटिव होने लग गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसको एड्स का सिम्टम आ गया, तो भी सिम्टम्स नहीं आता है। पता है, इन जनरल एड्स के सिम्टम आने में इंफेक्शन के कम से कम 5-10 साल बाद आता है, किसी किसी में महीनों में आ जाता है, किसी किसी में 8-7 महीने में भी आ जाता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत खराब है। लेकिन इन जनरल देखा गया है कि इन्फेक्शन हुआ 5-7 साल, 8-10 साल बाद सिम्टम्स दिखता है। तो मुझे एक बात बताना, एड्स में इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन होते ही सिम्टम्स आते हैं, या फिर पहले बीच में गैप, एक लैग पीरियड आता है? बोलो। एक लैग, बीच में लैग लैग पीरियड आता है, एंड दैट लैग पीरियड इज कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक फेज। अब सुना ध्यान से, अब एक पीरियड है इनक्यूबेशन पीरियड। विंडो पीरियड क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, पैथोजन जब तक डिटेक्ट नहीं हो रहा है तब तक के पीरियड को बोलते हैं विंडो पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, इन्फेक्शन हुआ, जब तक पहला सिम्टम्स नहीं आया है, जब तक पहला सिम्टम्स नहीं आया है, दैट इज द इनक्यूबेशन पीरियड। चलो मैं इन सभी बातों को कोरिलेट करता हूँ। कल मैंने आपको एचआईवी ट्रांसमिशन के कई सारे रूट बताए थे, उसमें से एक कौन से रूट बताए थे, सेक्सुअल रूट। उसमें कई सारे केसेस बताए थे, होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, एंड इवन वो जो प्रोस्टिट्यूशन वाला था, सेक्स वर्कर वाला, वो वाला भी बताए थे। सपोज दैट कोई पर्सन सेक्स वर्कर के पास गया, वहां वो रिलेशनशिप्स बनाया, फिजिकल रिलेशनशिप, और उसको ये डाउट हुआ, उसने अनसेफ सेक्स को परफॉर्म, सेक्स एक्ट को परफॉर्म किया विदाउट कॉन्डोम, कल सिखाया था, तो उसको डाउट हुआ कि अरे यार ये इससे तो एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये सेक्स वर्कर पता नहीं किस किन कितने लोगों के साथ ये सर्विस देते हैं, इसको तो एचआईवी इन्फेक्शन हुआ होगा, हो सकता है मुझे भी हुआ। आपको ये डाउट हुआ, और जैसे ही डाउट हुआ आप गए डॉक्टर के पास पैथोलॉजी, और वहां जाके एलाइजा टेस्ट करवाए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एचआईवी इन्फेक्शन हुआ भी होगा तो क्या एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एलाइजा, आपको एचआईवी इन्फेक्शन होने के कम से कम 12 वीक बाद, 2-12 वीक
किसी में दो वीक बाद भी आ जाता है, किसी में 3 महीना का समय लग जाता है। तो आप आज अनसेफ सेक्स एक्ट को परफॉर्म किए और आप कल जा रहे हैं डॉक्टर के पास, कभी नहीं आएगा पॉजिटिव, परसों भी नहीं आएगा, कम से कम 2 वीक के बाद जाओ। 2 वीक के बाद भी नहीं आ रहा, जाते रहो 12 वीक, 3-4 महीने तक जाते रहो। जब पॉजिटिव आना स्टार्ट हुआ, विंडो पीरियड खत्म। यानी कि आपको जिस दिन एचआईवी का इंफेक्शन हुआ उसके बाद जब तक एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है तब तक का पीरियड विंडो पीरियड। अब मुझे एक बात बताओ, 3 महीने बाद एचआईवी आपको डिटेक्ट हो गया, मतलब कि एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या आपको एड्स का सिम्टम्स आने शुरू हो गए? नहीं। अभी सिम्टम्स क्या होता बताऊंगा, एड्स का सिम्टम्स आ रहे हैं? नहीं। तो आपको डाउट होगा, टेस्ट बेकार बता रहा है, टेस्ट खराब है, ठीक है, समझ लो टेस्ट बेकार है, एचआईवी इंफेक्शन पॉजिटिव तो बता रहा है लेकिन हमको सिम्टम्स कहाँ है? सिम्टम्स आने में समय लगेगा। सिम्टम्स आने में हो सकता है कि 3 महीने में आपको ये आया हो एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव। सिम्टम्स आने में किसी किसी को तो 7-8 महीने में भी आ जाता है, यूजुअली सिम्टम्स आने में 5 से 10 साल लग जाता है यूजुअली। तो बताओ जो पहला इन्फेक्शन जिस दिन हुआ था और जब पहला सिम्टम आएगा वहां से वहां तक के पीरियड को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन से फर्स्ट सिम्टम तक को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो क्या ये एसिम्प्टोमेटिक फेज यही है? यस और नो? यही एसिम्प्टोमेटिक फेज। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एसिम्प्टोमेटिक फेज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन एक बात बताओ, क्या इंक्यूबेशन पीरियड में ही पहले विंडो पीरियड आया होगा? यस और नो? तो मुझे एक बार बताओ, क्या कंप्लीट, तो क्या कंप्लीट इंक्यूबेशन पीरियड विंडो पीरियड है? अरे नहीं यार, इंक्यूबेशन पीरियड का शुरुआती का कुछ समय विंडो पीरियड है। तो मुझे एक बार बताओ, क्या एसिम्प्टोमेटिक फेज विंडो पीरियड है? नहीं। विंडो पीरियड इज द पार्ट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक फेज। यानी कि विंडो पीरियड इज द पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड इज नॉट कंप्लीट इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया मैंने क्या बोला? विंडो पीरियड इज नॉट कंप्लीट इंक्यूबेशन पीरियड। यस, इंक्यूबेशन पीरियड इंक्लूड्स विंडो पीरियड, मींस एसिम्प्टोमेटिक फेज इंक्लूड विंडो पीरियड, बट एसिम्प्टोमेटिक फेज नॉट इज नॉट विंडो पीरियड, इट रिप्रेजेंट्स द इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया? तो मुझे बताओ, जब से एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आने लगेगा तब से हम बोलेंगे क्या? विंडो पीरियड खत्म हो गया है। अब बोलोगे सर इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं उसको, दैट इज द लेटर इंक्यूबेशन पीरियड एंड इज द इनिशियल इंक्यूबेशन पीरियड जस्ट। तो ये तो क्या हुआ? एसिम्प्टोमेटिक फेज, अभी सिम्टम्स आया ही नहीं है। अब मुझे एक बार सोच समझ के बताना, 2 पार्ट है इंक्यूबेशन पीरियड का, एक तो क्या है इनिशियल इंक्यूबेशन पीरियड मींस विंडो पीरियड, और एक है लेटर इंक्यूबेशन पीरियड बाद वाला, यानी कि आफ्टर विंडो पीरियड। मुझे बताओ पैथोजन ज्यादा एक्टिव कब होगा, विंडो पीरियड या आफ्टर विंडो पीरियड? पैथोजन ज्यादा एक्टिव कब होगा? आफ्टर विंडो पीरियड। बताओ सृष्टि। आफ्टर विंडो पीरियड। तो ज्यादातर बच्चे आंसर यही देते हैं कि आफ्टर विंडो पीरियड, मगर पैथोजन ज्यादा एक्टिव, ज्यादा इंफेक्टिव विंडो पीरियड में होगा। और बता रहा हूं क्यों, और बता रहा हूं क्यों। चलो इसको ऐसे कोरिलेट करो, सपोज करो आपके देश में कोई आतंकवाद आया, इस वेशभूषे में आया, इस कदर आया कि आप उसको पहचान ही नहीं पाए, और आपके देश का अनाज खा के आपके देश में ही पनप रहा है। ओके, इतने इस वेशभूषे में आया कि आप उसको पहचान नहीं पाए। और दूसरा, अभी वो 4-5 लोग ही आया है तो हमारे डिफेंस सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही है, वो इतने बड़े भीड़ में छुप के रह रहा है। मुझे बताओ, धीरे धीरे वो हमारे देश का अनाज खा के धीरे 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 अपना नंबर बढ़ाएगा। जब तक वो डिफेंस सिस्टम के नजर में नहीं आ जाता पहली बार, तब तक उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा? अरे बोलो, नहीं ना। नो सर। तब तक वो हमारे देश का आराम से पिज्जा बर्गर बिरयानी सब खा रहा है, मजे से नंबर बढ़ा रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने मेंबर बढ़ा रहा है, 5 से 20-25 ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन बताओ, और उसकी आदत है, आदत क्या है? आतंकवादी। अब एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा डिफेंस सिस्टम उसको पहचान लेगा, मतलब विंडो पीरियड खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, जिस दिन हमारा डिफेंस सिस्टम उसको पहचान लेगा उसी दिन से एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव भी आने लगेगा। जिस दिन डिफेंस सिस्टम उसको पहचान लेगा, मुझे एक बार बताओ, क्या उस दिन से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगेगा? यस। क्या उस दिन से उसके खिलाफ नियम जारी हो जाएगा, देखते शूट करो
यस। अब मुझे बताओ कि उस मेंबर को बिरयानी खाने, पिज्जा खाने और अगर बर्गर डगर खाने में प्रॉब्लम आएगी या फिर आराम से अभी भी घूम के खाएगा, बताओ? प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे बताओ, अब वो रिप्रोडक्शन करके अपने मेंबर को आसानी से बढ़ा पाएगा या डिफिकल्टीज आएगी? तो मुझे बताओ, जब तक हमारा डिफेंस सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तब तक वो रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को आराम से बढ़ा रहा था या फिर रिकॉग्निशन के बाद उससे? रिकॉग्निशन के पहले। तो अब मुझे बताओ, विंडो पीरियड कौन सा पीरियड है जब हमारे बॉडी में पैथोजन डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है? हमारे बॉडी में पैथोजन है, हमारा इम्यून सिस्टम, हम अगर मान लीजिए एलाइजा टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया अब तक, तब वो नेगेटिव आ रहा है एलाइजा टेस्ट। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज किया है, इसका मतलब पैथोजन आराम से नंबर बढ़ा रहा है, वायरस अपना नंबर आराम से बढ़ा रहा है, इसका मतलब ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा इन्फेक्टिविटी शो कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, ज्यादा एक्टिव है, एक्टिवनेस ज्यादा है उसमें अभी। एक बार बन जाए उसके खिलाफ एंटीबॉडी, फिर देखो लंका लग जाएगा, फिर बॉडी में दर्द घूमना उसका निकल जाएगा तुरंत। तो विंडो पीरियड में ज्यादा एक्टिव है, समझ गए? नौ, चलो ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड खत्म, 5 से 10 साल का समय खत्म और अब सिम्टम्स आने शुरू। तो एक बार बताओ, अगर किसी पर्सन को ये डाउट हो जाए कि आपको एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या वो 5 से 10 साल का वेट करेगा या ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देगा स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग पीरियड में अगर पता चल गया तो उसका ट्रीटमेंट है। यस, उसका ट्रीटमेंट है, स्टार्टिंग में पता चल गया तो ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया, फिर तो भगवान भरोसे। तो चलो सपोज दैट कि जिसका मल्टीपल सेक्स पार्टनर है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करता है रिपीटेटेड, नशेड़ी भंगड़ी है, नस में सुई लेता है, या ऐसा कोई बच्चा जिसकी मदर एचआईवी इंफेक्टेड थी, तो बताओ ऐसे पर्सन एचआईवी टेस्ट कराते रहते होंगे? बिल्कुल। और जब एचआईवी पॉजिटिव आता होगा, मतलब एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आता होगा, तो वो पर्सन क्या करता होगा? ट्रीटमेंट शुरू कर देता होगा। सपोज दैट कोई सज्जन आदमी जिसको कभी डाउट ही नहीं होगा कि मुझे एचआईवी होगा, क्यों होगा भाई? ना उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, सिंगल वाइफ है, और ऐसा कोई नशेड़ी भंगड़ी वाला एक्टिविटी नहीं है, उसकी मदर जिसे वो पैदा हुआ वो भी नॉर्मल थी, लेकिन बेचारा सज्जन आदमी था, लेकिन उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बार बार जरूरत पड़ती थी, या किसी कारण से उसको किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से एचआईवी इंफेक्शन हो गई। अब मुझे बताओ, उसको डाउट तक नहीं हुआ कि उसको एचआईवी इंफेक्शन हुआ है, डाउट तक नहीं हुआ, तो क्या वो कभी एचआईवी टेस्ट कराएगा? नहीं कराएगा ना। अरे डाउट होगा तभी ना कराएगा जी एचआईवी टेस्ट, या एलाइजा टेस्ट उसको बोलते हैं। जब आपको डाउट ही नहीं है तो आप क्यों कराओगे? तो क्या ऐसे ऐसे 5 साल बीत जाएगा, बताओ? तो क्या 5 साल में एचआईवी अपना नंबर इतना बढ़ा चुका होगा? क्या 5 साल में एचआईवी इतना नंबर बढ़ा चुका होगा कि अब सिम्टम्स आना शुरू होगा? यस। आप बोलोगे सर 5 साल पुरने से पहले 3-4 महीना बाद ही बॉडी रिकॉग्नाइज कर लिया होगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया होगा। यस। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और केवल बॉडी के सहारे हैं, तो वो एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एचआईवी वायरस के केस में। इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेशन मिलता है बी लिम्फोसाइट को, किससे? टी हेल्पर से। टी हेल्पर को मारना शुरू कर देता है कौन? एचआईवी वायरस। जब वो मैक्रोफेज निकलता है ना, टी हेल्पर को ही मारना शुरू करता है, टी हेल्पर को खतरनाक मारता है, टी हेल्पर को मार मार कर गिराने लगता है तुरंत। कब? 3-4 महीना बाद। तो एक बार बताओ, अगर आपके बॉडी में लगभग अगले 4 साल तक टी हेल्पर का काउंट कम होता गया है, तो अब आपका बॉडी क्या उससे लड़ पाएगा? नहीं। अब आपको सिम्टम्स आएगा। क्या सिम्टम्स आएगा? मतलब आप इम्यूनोडेफिशिएंट हो चुके हैं। मुबारक हो जी, आप इम्यूनोडेफिशिएंट हो चुके हैं। अब आपको आएगा एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं अर्ली सिम्टोमेटिक फेज। क्या होगा भाई? अब सुनना, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या नहीं होगा मतलब ये सोचो, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या होगा? इनिशियल स्टेज ऑफ एड्स में लिम्फ नोड्स फूलने लगेंगे। क्या मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ नोड्स पढ़ाया? बताओ, सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स कहाँ होता है सृष्टि बॉडी में? सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स कहाँ होता है? नेक के पास। तो बताओ क्या उसका गर्दन फूलने लगेगा? बिल्कुल। बार बार फीवर आएगा, बॉट्स ऑफ फीवर, यानी कि फीवर का दौरा आएगा, फीवर खत्म होगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, आएगा, फीवर आना जाना लगा रहेगा। फिर डायरिया, डायरिया आना जाना लगा रहेगा, जैसे घर की बात है, आना जाना लगा रहेगा। रात को पसीना आता भाई साहब बहुत एड्स पेशेंट में, और वेट लॉस होने लगेगा, बॉडी पतला होने लगेगा, इसलिए इसको स्लिम डिजीज भी कहते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगे,
तो आपका तुरंत एलाइजा टेस्ट कराना चाहिए। पता हो ये सिम्टम्स जब दिखने लगे तब एलाइजा टेस्ट कराओगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा यार, अब सिम्टम्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो इनिशियल एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है, अर्ली सिम्टोमेटिक फेज है ये। एसिम्प्टोमेटिक फेज खत्म हो चुका, अर्ली सिम्टोमेटिक फेज है। अब तो भाई साहब मामला इतना पहुंच चुका है कि अब आएगा फुल ब्लॉन्ड एड्स, यानी कि एड्स का खतरनाक स्टेज, एड्स का ऐसा स्टेज कि पर्सन पूरी तरीके से अभी तक तो क्या था, इम्यून सिस्टम में कमी तो आई थी लेकिन इतनी कमी नहीं आई थी कि मौत आ जाए। अब इसके बाद इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि पर्सन का मौत तय है, और अब इतना वीक हो चुका है अब मेडिसिन कोई काम नहीं करेगा, अब दवाओं से नहीं दुआओं से काम चलेगा, जितने दिन काम चलना है। मतलब पर्सन का इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो चुका, और कारण पता है क्या है, ये जो टी मतलब कि HIV वायरस है इतना नंबर बढ़ा लिया है कि हमारे बॉडी में टी हेल्पर को चुन चुन के मारना है। और पता है इसका पता कैसे चलेगा, एक बार बताओ टी हेल्पर पे कौन सा रिसेप्टर CD रिसेप्टर होता है, CD4 या CD8? CD4 एक बार बताओ ये टी हेल्पर कहाँ मिलता है, ब्लड में ही मिलता है, मिलता है ना ब्लड में, ब्लड में या लिम्फ नोड्स वगैरह में। अगर आप 1 लीटर ब्लड लेंगे तो 1 लीटर हेल्दी ब्लड में, 1 लीटर हेल्दी ब्लड में आपको CD काउंट्स मतलब CD अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 9×10 की पावर 6 CD मॉलिक्यूल, CD4 मॉलिक्यूल 9×10 की पावर 6 से भी ज्यादा CD मॉलिक्यूल देखने को मिला है एक हेल्दी ब्लड में नॉर्मल। लेकिन जब आपके ब्लड में CD काउंट लेस देन 200×10 की पावर 6 पर लीटर ऑफ ब्लड हो जाए CD काउंट, तो बताओ TL पर का अमाउंट घटा है या नहीं घटा है? बिल्कुल घटा है भाई, क्योंकि आपके बॉडी में CD हेल्पर TL पर के साथ ही एसोसिएटेड होता है और मैक्रोफास के साथ। तो अगर ये नंबर घटा है इसका मतलब TL पर को मार मार के गिरा है किसने, HIV वायरस ने। अब मुझे बताओ आपके पूरे बॉडी को कोई भी पैथोजन जब भी आता था, चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो, क्या टी हेल्पर का रोल होता था? ऑब्वियसली कोई भी पैथोजन हो टी हेल्पर का तो रोल आता ही था, क्योंकि यही CMI है, यही फिर AMI को भी एक्टिवेट करता था, याद आ रहा है टी हेल्पर डेंट वी लिम्फोसाइट्स। तो एक बार बताओ अगर टी हेल्पर ही मर रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक नहीं हो चुका है? और पता है अब आपको छोटे मोटे पैथोजन भी आकर डिजीज करा जाएगा, मौके का फायदा उठा लेगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। पता है ये HIV टी हेल्पर का नंबर घटाया है, पर्सन इससे क्यों मर जाता है? पहले टी हेल्पर क्या करता था मुझे बताओ, पहले टी हेल्पर क्या करता था? आज मैंने खुद भी गलती करी है, ठेले पर का बर्गर खा लिया है तो क्या मेरे बॉडी में गया होगा कुछ पैथोजन? ऑब्वियसली गया होगा, कन्फर्म गया होगा, मुझे पता है। लेकिन कभी कभी खा लेता हूँ जानबूझ के, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो इसलिए। लेकिन वो पैथोजन जो गया इससे हमारा बॉडी लड़ेगा या कल मुझे टाइफाइड हो जाएगा? पता चला परसों से क्लास ऑफ, टाइफाइड हो गया सर को, लड़ेगा लड़ेगा हमारा बॉडी लड़ेगा। लेकिन मान लो सपोज दैट कि किसी को एड्स है तो उसके बॉडी में छोटे मोटे पैथोजन भी जाकर डिजीज करा देगा या उसका बॉडी उससे लड़ेगा? डिजीज करा देगा, छोटे मोटे पैथोजन भी जिससे आप रोज लड़ते खड़ते थे वो आपको डिजीज करा देगा, मौके का फायदा उठा लेगा, दैट इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और इस केस में दवाएं नहीं अब दुआएं काम आएगी, आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है मौत निश्चित है, कुछ दिन का मेहमान है आप, अब दुआएं करो जितने दिन जिंदा रहना रह लेंगे। अब इसमें NCERT ने कुछ नाम लिखा है, कुछ ऐसे पैथोजन जो यूजुअली ह्यूमन को इफेक्ट नहीं कर पाते थे अब वो भी इफेक्ट कर देगा, पहले आपका बॉडी उससे लड़ लेता था। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखा है आपकी NCERT में, जैसे एक बार बताओ नॉर्मली हमें TB किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, याद करो बैक्टीरियम में बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। लेकिन एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम एवियम, नाम से पता चला होगा एव्स मतलब बर्ड्स, ये बर्ड में काउज कराता है ट्यूबरकुलोसिस, ये भाई साहब हमारे में करा देगा, सोचो। नॉर्मली जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता था हमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता था, हम लड़ लेते थे, हमारा बॉडी में सिस्टम लड़ लेता था। लेकिन अब आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम एवियम जो बर्ड में डिजीज करा था वो आप में आके करा देगा। फिर एक बार नॉर्मली निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, बताया था डिप्लोकोकस निमोनी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, याद आ रहा है? नॉर्मली निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अब एक नॉर्मल फंगस आएगा जिसका नाम है न्यूमोसिस्टिस कारनी, कैरेनी, ठीक है,
न्यूमोसिस्टिस कारेनी, ये फंगस है, ये आके आपको निमोनिया करा देगा, लंग्स में पूरी तरह से म्यूकस भर देगा, निमोनिया करा देगा आपको। और सुनो, माउथ और ओसोफेगस रीजन में एक फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस। नॉर्मली अगर ये आपके माउथ और फंगस रीजन में जाता, ओसोफेगस रीजन में जाता था ये फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस, तो कुछ नहीं होता था, आपका बॉडी लड़ लेता था, इम्यून सिस्टम लड़ लेता था। लेकिन अभी क्या करेगा, वह इन्फेक्शन करा देगा, कैंडिडियासिस, इन्फेक्शन हो जाएगा वहां। बताओ ये सब हो रहा है तो? अच्छा, एक प्रोटोजोन मेंबर है टैक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये भाई साहब पहले हमारे बॉडी में आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लड़ लेता था यार मुझसे, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ लेता था, कोई डिजीज नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि टीएलपर का अमाउंट इतना कम हो चुका है कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा, एनसेफेलाइटिस, ब्रेन फूल जाएगा पूरी तरीके से, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सब होने लगेगा। और एक खतरनाक केपोसी सार्कोमा हो जाएगा, ये पता क्या होता है, स्किन कैंसर, और लिम्फ नोड्स का भी कैंसर है, लिम्फ नोड फूल जाते हैं पूरी तरीके से, स्किन कैंसर। और इसमें पता है क्या, ये किसकी वजह से होता है, एक वायरस है, ओंको वायरस ग्रुप ऑफ वायरस है, उसका एक मेंबर है HHV8, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ये ओंको वायरस है, ग्रुप ऑफ वायरस का मेंबर है, ये आएगा आपकी बॉडी में और केपोसी सार्कोमा करा देगा, स्किन का कैंसर और लिम्फ नोड्स का कैंसर। यूजुअली जब आप नॉर्मल थे, हेल्दी थे, इम्यून सिस्टम अच्छा था, माइकोबैक्टीरियम एवियम बैक्टीरिया, न्यूमोसिस्टिस कारेनी फंगस, कैंडिडा एल्बिकेंस फंगस, टैक्सोप्लाज्मा गोंडी प्रोटोजोन, या फिर वायरस हो ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ये जब आता था आपके बॉडी में, जब आप नॉर्मल थे, आपका बॉडी से लड़ लेता था, इसलिए इनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया, कैंडिडियासिस, एनसेफेलाइटिस या केपोसी सार्कोमा या कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स, ये नहीं होता था। लेकिन अब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी वीक हो चुका है और इसके मौके का फायदा उठा रहा है कौन, ये सब छोटे मोटे पैथोजन जो आपके लिए पहले छोटे मोटे थे। अब मुझे बताओ, इतना सब रोग होने के बाद क्या लगता है, मौत तय है? नहीं है, तय है, मौत आ चुकी है, और अब दवाई का कोई फायदा नहीं, अब दवाई नहीं दुआएं करो, बस अब तो हो गया। और मैं बता दूं, एड्स का कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट अभी भी नहीं ढूंढा गया, हालांकि कैंसर का भी नहीं ढूंढा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले गुड न्यूज आया था आपके सामने, कैंसर का ट्रीटमेंट है हमारे पास, लैब डेवलप काम हो गया सक्सेसफुल, अब वो मार्केट में भी आ जाएगा, जल्द आ जाएगा, आ भी चुका होगा क्योंकि 15-20 दिन हो चुका है, ठीक है। तो एड्स का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, रिसर्च गोइंग ऑन है, भगवान करे जल्दी से आ जाए, तो अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और वो भी जब फुल एड्स, फुल ब्लॉन एड्स आ गया, तब तो भाई साहब मुश्किल है, तभी मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा मौत आ गई है। सो अब दवाई नहीं दुआएं काम आएगी, अब ये नहीं कि दुआएं करके आप उसको दोबारा नई जिंदगी दे रहे, नहीं, दुआएं देगा बस 2-4 दिन और जिंदा रख लो, और क्या ही कर सकते हो। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ एड्स। अब मैं आपसे बात करता हूं ट्रीटमेंट, पहले तो डायग्नोसिस, तब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। कितना समय हमारे पास, 7 मिनट है, चलो 7 मिनट में हो नहीं पाएगा, एक काम करो, पहले आप क्या करो, ये सिम्टम्स पूरा पढ़ लो, यहां तक कोई डाउट है सृष्टि? नो सर। अभिषेक? नो सर। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, फिर विंडो पीरियड आएगा, फिर विंडो पीरियड खत्म होगा, आफ्टर विंडो पीरियड कुछ समय चलेगा, एलाइजा पॉजिटिव आने लगेगा, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, ए सिम्टोमेटिक फेज। उसके बाद इनिशियल कुछ सिम्टम्स आएंगे, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, जैसे लिम्फ नोड फूलने लगेगा, बुखार का बार बार आना, बुखार का दौरा, डायरिया का दौरा, रात को स्वेटिंग, वेट लॉस, ये सब सिम्टम्स हैं कि आपको HIV का इन्फेक्शन हुए, काफी दिन हो चुका है, ठीक है। इस स्टेज में भी अगर डॉक्टर के पास गए तो थोड़ा बहुत बचने का चांस थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद जब फुल ब्लॉन एड्स हो जाएगा, फिर तो भाई साहब इम्यून सिस्टम, अच्छा फुल ब्लॉन एड्स का क्या पहचान है, आपके ब्लड में पर लीटर ऑफ ब्लड में CD काउंट बिलो 200×10^6 हो चुकी है, जो कि यूजुअली कितना होती थी, मोर देन 900×10^6, अब उससे कम हो चुकी है, 200 से भी कम हो चुकी है, ठीक है, 200×10^6 से भी कम हो चुकी है, इसी को बोलते हैं 200 mm³, यानी कि इससे कम हो चुकी है, ठीक है। उसकी वजह से ये सब इन्फेक्शन है, इसको देख लो जल्दी से, देन अगले मीटिंग में बात करते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द एड्स।